नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चाड़ा कोचिंग क्लास से बहराइच में। आज हम लोग इनकम टैक्स का पेपर देखेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर होता है। आपका ये मान के चलिए कि बीकॉम में अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आप इसकी इम्पोर्टेंस को बहुत बेहतर तरीके से समझते होंगे कि जो है इनकम टैक्स कितना हार्ड पेपर होता है। तो इसका प्रीवियस ईयर का पेपर देख के आप आने वाले जो पेपर है उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। 2018 का ये पेपर है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद, ठीक है, ये यहाँ का पेपर है। तो देखिए, ये पहले क्या था, ये पहले बीकॉम सेकेंड ईयर में हुआ करता था, लेकिन अब ये बीकॉम थर्ड ईयर में हो गया है, ठीक है, चेंज हो गया। और पहले फोर्थ पेपर होता था इनकम टैक्स। हालांकि पैटर्न नहीं बदला है, बस क्लास में कुछ सिलेबस में इधर उधर चेंज किया गया, तो उसमें किया गया। 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का, ठीक। और इसके 3 सेक्शन है, ए, बी और सी, ठीक है। आप पैटर्न जान चुके हैं, तीनों सेक्शन आपको करने होंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे सेक्शन ए की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ में आगे और भी क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन, आप ठीक है, ये सब तो इंस्ट्रक्शन दिए गए, आप इनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन ए जब शुरू करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका निकल के आएगा सेक्शन ए में, ठीक है। तो सेक्शन ए में है क्या, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन है और 50 जो है वर्ड में आपको इसको लिखना है। सबसे पहले क्या, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स जो है दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में जैसे जीएसटी आ रहा है, ठीक, तो ये आ रहा है। इसके बाद एक्सप्लेन एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोजिंग इनकम टैक्स, क्यों लगाया जाता है। इनकम टैक्स इनकम को बराबर करने के लिए, ठीक है। तो व्हाट इज डीम्ड एसेसी, एक अगला टॉपिक है आपका कि डीम्ड एसेसी कौन होता है, ठीक है। तो माना हुआ करता था, जो दूसरे की आय के लिए मान लिया जाए या जिस पे कार्रवाई की जा रही हो, ऐसे। और इसके क्लासेस आपको दी जा चुकी है, वहां से आप देख ही रहोगे। तो वो एसेसी आर इंक्लूडेड इन पर्सन, कौन व्यक्ति में शामिल है। कंपनी वन पर सब लोग इसमें, एओपीयू बीओआई सब इसमें आते हैं, ठीक। अभी के राइट 5 एग्जांपल ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नॉन एग्रीकल्चर इनकम देखो, जो एग्रीकल्चर इनकम जैसी लगती है, जैसे फिश मार्केट इनकम, ये सब, ठीक है। तो इसके बारे में अब एक अगला पॉइंट और है, जैसे हाउ मच इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज एग्जेम्प्ट, कितनी एग्जेम्प्ट होती है। तो आपको पता है ना, 1500 रुपए एक माइनर सन की जो इनकम है वो कितनी है, 1500 रुपए तक एग्जेम्प्ट है। व्हाट आर द बेसिक कंडीशन फॉर डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक। तो पहली क्या, 182 दिन वो भारत में रहा हो, और दूसरे केस में क्या हुआ, वो 60 दिन भारत में रहा हो, या पूर्व के जो है 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहा हो, लेकिन एक्सेप्शनल केस बता दीजिएगा साथ में। वो इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक एम्प्लॉय, तो जिसका कहते हैं आप, जिसका मौद्रिक वेतन, ठीक है, मॉनेटरी सैलरी जिसकी 50,000 से ज्यादा है, या कोई सार्वान ये जैसे 20% से ज्यादा शेयर है या मैनेजर की पोस्ट पर है, तो वहां पे। व्हाट इज इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव, जैसे आपको छुट्टियां मिलती हैं, उन छुट्टियों का जब इस्तेमाल आप नहीं करते, तो वो अर्नड लीव, इसके बारे में पूछा है। फिर अगला टॉपिक है, व्हाट डू यू स्टैंड बाय, क्या बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन, दिखावटी लेन देन जो वास्तव में होता नहीं है, उसके बारे में कहा गया। अभी 2-2 नंबर के थे, सेक्शन बी में जब जाएंगे तो सेक्शन बी में देखेंगे तो कौन सा है। सबसे पहले शुरुआत होती है, शुरुआत क्या है, अनुलाभों से आप क्या समझते हैं, अनुलाभ, ठीक। व्हाट आर टैक्स फ्री परक्यूसाइड, करमुक्त अनुलाभ के बारे में बताना है। ठीक, स्पेंड काइंड्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के बारे में बताना है। कैसे होता है, एक सर्टिफाइड, एक स्टेटिक प्रोविडेंट फंड, एक, ठीक है, सर्टिफाइड जो है, और एक अनसर्टिफाइड, ये 3 कैटेगरी के होते हैं, तीनों के बारे में आपको बताना है, थ्योरी थी। और अब इसके बाद सेक्शन बी में अब आप और देखेंगे तो एनुअल वैल्यू से रिलेटेड, डिफाइन एनुअल वैल्यू। देखिए, दो में से कोई एक ही करना है इसके, और में देखो ना, ये भी थ्योरी है और ये भी थ्योरी है। द स्टेट द डिडक्शन दैट आर अलाउड फ्रॉम द एनुअल वैल्यू ऑफ कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बारे में जो है पूछा गया, ठीक। अब आप देखिए ये वाला, वार्षिक मूल्य जिसे घटाई जाने वाली कटौती के बारे में बताना है। मीनिंग अंडर सेक्शन 24, इसमें ए और बी दो पूछा गया। फिर एक्सप्लेन द प्रीवियस प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन कनेक्शन विद इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव,
दो नंबर पूछा गया, यहां पे भी पूछा गया। इसके आगे जब आप जाएंगे तो देखेंगे जो है 2018 में, देखिए लगातार अभी थ्योरी ही पूछी जा रही है, ये अच्छी बात है। तो फोर नंबर में भी देखेंगे, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। इसके बारे में, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कैपिटल गेन से रिलेटेड है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें आया हुआ है, क्या, नेम द आइटम्स व्हिच कैन बी इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये अब दोनों में से कोई एक करना है। इसके अलावा एक और टॉपिक है यहाँ पे जब जाएंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, हानियों को पूरा करना। एक टेबल बनी हुई है जिसे बताया गया कि किस हेड के लॉस को किस हेड से पूरा किया जा सकता है, 1961 के अकॉर्डिंग आपको बताना है। और अब देखिए इसके बाद आते हैं, तो ये न्यूमेरिकल है आपका, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक। और ये न्यूमेरिकल जब आप देख लेंगे। और सिक्स नंबर, व्हाट इज मीन बाय टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट के बारे में पूछा है, ये भी थ्योरी दी है। ये व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो मिस्टर कुमार सोल्ड द फॉलोइंग एसेट्स, अभी देखिए कैपिटल गेन का ये जो है न्यूमेरिकल दिया है, कैपिटल गेन का, इसको आप देख लीजिए, देखते जा रहे हैं। और ये कैपिटल गेन का, इसका पीडीएफ चाहेंगे तो आप हम लिंक दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे सेक्शन सी में, दो क्वेश्चन करने आए तो पांच होंगे, करने कितने, दो कुल मिला के, दो क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन 15 नंबर का, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस चैप्टर का है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इनकम फ्रॉम सैलरी का है, आपके सामने लिखा हुआ है, देख लीजिए। और ये इनकम फ्रॉम सैलरी दिया है पूरा, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन एक बार स्क्रीन में सामने आपको हम कर देते हैं, ये स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं पूरा, ठीक है। और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दिया गया है, ये है बिजनेस एंड प्रोफेशन का, तब एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन का है। पूरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, इसको आप देख लीजिए, 8 नंबर, ये भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। और इसके बाद ये 9 नंबर भी इसका न्यूमेरिकल है, ये टोटल इनकम का है, ठीक है, टोटल इनकम है। और इसको जब आप अगर देखना चाहें तो आपके सामने हम कर देते हैं, ये आप पूरा देख लीजिए, ये न्यूमेरिकल है टोटल इनकम का, ठीक। ना लगा पाइएगा मुझे कमेंट में बताइएगा, हम सॉल्व करवा देंगे। व्हाट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, सर्वोत्तम निर्णय का निर्धारण, ये आखिरी चैप्टर में पाएंगे इसकी थ्योरी, ठीक है। और इसके बाद ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का, जी हाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का क्वेश्चन है। और इस तरीके से ये हम देखेंगे, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का है, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। तो इस तरीके से 2018 का पेपर था, ऐसे पेपर और आपको हम दे देंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे तो हमें कमेंट में बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।